असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क़यादत का इसकी अशराफिया है। वो अशराफिया ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो अदलिया में भी है, वो फौज में भी है, वो सियासत में भी है और वो पब्लिक सनअतकार ऐसे भी वादे किसी ने किए हैं जो इन्होंने क्राइसिस की जो मजहब में भी है, बिल्कुल मजहब में भी है, क्राइसिस पैदा करने के लिए आप देखें ऐसे वादे किसी को हमने किए हैं जो वादे आपकी हुकूमतों ने किए। अच्छा तारिक साहब, वो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमारे पास एक मनसूबा बंदी के हवाले से मैं कहूंगा कि पांच साल जो मनसूबा पेश किए अयूब खान के बाद, मुझे आज तक बता दें कि कोई 5 साल मनसूबा जो है तोड़ चढ़ा हो। बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। हम प्रोग्राम के आखिरी स्पेल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले एक मसले की निशानदेही कर दूँ, उसके हल की आप तजवीज़ बताइए। और मेरा ख्याल है कि इस मसले को जो मैं बयान करूँगा आप एग्री कर जाएंगे। हमारा एक बहुत सारे मसाइल में एक बहुत बड़ा बीच का मसला जो है वो नौजवानों में भी है, वो साफियों में भी है, वकीलों में भी है, तमाम तबकात में है। वो ये है कि हम पढ़ने लिखने की जो आदत है उससे फारग हो चुके हैं। हमारा हरफ व लफ्ज़ के साथ, हमारा किताब के साथ, हमारा मुताले के साथ जो ताल्लुक़ है वो टूट चुका है। और उसकी बुनियादी इकाई जो है, जो मुताले की तरफ रगबत दिला सकती है, जो किताब के साथ जोड़ सकती है, ज़ाहिर है वो माँ बाप बुनियाद रखते हैं, लेकिन अहम करेक्टर जो है वो उस्ताद है जो बच्चों को किताब के साथ जोड़ सकता है। तो जो जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया कि हमारा जो मॉरल क्राइसिस है और हमारा जो ये सारे मसाइल हैं वो हम उसकी इब्तदा इल्म से होनी है, और इल्म की जो सोर्स है वो किताब है, उससे हमारा ताल्लुक टूट चुका है। उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, मुताले की आदत जो है उसको दोबारा कैसे रिवाइव किया जा सकता है? तो मैं चाहूँगा मोहम्मद इजाज साहब आप जी तो मसला तो आप एग्री करते हैं ना कि ये बिल्कुल एग्री। मैं खुद कदा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एज अ टीचर और इवन एज अ स्टूडेंट। क्या करें, ओके जी। और अगर एज ए मैं टीचर की बात कर रहा हूँ तो सर शॉर्ट हमारे पास टाइम थोड़ा है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सिर्फ उतना काम करता है जितना उसको असाइन किया जाता है, उससे हट के अगर उससे रीडिंग हैबिट की बात की जाए तो कहते हैं कि इट इज नॉट अ एजुकेशन। वो समझता है कि बस वही है जो सर इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको डेवलप करने के लिए टीचर का रोल फिर अगेन बड़ा है कि उसके अंदर उसको असाइन की जाए, रीडिंग हैबिट्स बाकायदा इंगेज किया जाए। उसके लिए टीचर आइडियलाइज होता है हमेशा हर एज में स्टूडेंट का। टीचर खुद कम अज कम एक किताब तो पढ़े, एटलीस्ट टीचर बताते खुद पहले खुद आगाज करें। जी मोहम्मद अब्दुल नईम साहब, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट जो है उसको छेड़ा है। और इसको हमने ना जी अलीगढ़ कॉलेज है मांगा मंडी में, एक तो रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ हमने तजर्बा किया। और आप शायद ये सुन के हैरत हो, आपको ये सुन के शायद हैरत हो कि वहाँ पर बाकायदा एक लाइब्रेरी मौजूद है और हर क्लास का वहाँ पर पीरियड होता है लाइब्रेरी का। और उसमें हम एक हर महीने एक लिस्ट बनाते थे, ग्राफ बनता था कि किस क्लास के बच्चों ने ज़्यादा किताबें इशू करवाई हैं। और हम टीचर्स का अलग बनाते थे कि जी कौन से टीचर हैं जो ज़्यादा कौन सी किताब। जी प्रोफेसर तारिक साहब थर्ड चेक जी, ये बहुत बड़ी आपने निशानदेही की है। यही यानी ये भी एक बहुत बुनियादी और कलीदी इसने रोल प्ले किया है। और हमें बुक हैबिट की तरफ ही उस्ताद को, अब आज मैं दावे से कहता हूँ कि जितने उस्ताद हैं उनमें से आप परसेंटेज देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कोई नई किताब पढ़े हुए उनको कितना वक्त गुजरा है तो वो आपको बता देंगे। इसका मतलब यह है कि हम उस्ताद भी मोबाइलों में घुस गए हैं और बच्चों को भी उसमें घुसा दिया है।